कोरोना वायरस नूं लैके देश भर दे विच लॉकडाउन 5 दा ऐलान कर दिता गया। 1 जून तो लैके 30 जून तक लॉकडाउन 5 जारी रहेगा। इस दे विच की ये लॉकडाउन किवें दा रहेगा, की फर्क है इस लॉकडाउन दे विच, की रियायतां दित्तियां गईयां ने, इस बारे तमाम गलबात करन लई मेरे सहयोगी रुमांशु गाबा मेरे नाल मौजूद ने। उन्हां तों जानदे हां वी लॉकडाउन 5 किवें दा रहेगा। रुमांशु, लॉकडाउन 5 दा ऐलान कर दिता गया, की फर्क देखदे हो इस लॉकडाउन दे विच? बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जिहड़ा केंद्र सरकार दा गृह मंत्रालय, इन्हें लॉकडाउन 5 दा ऐलान कर दिता गया। ये लगभग लॉकडाउन खत्म, आपां कह सकदे कि लॉकडाउन देश 'च खत्म कर दिता गया। बहुत सारी रियायतां जो हुण तक सानूं 22 मार्च तो लैके हुण 31 मई तक जो सहन करना पै रहा सीगा, जो रोक लगी हुई सी कई जगह पर, वह हुण खुलन जा रही ने। सब तो वड्डा ऐलान तो यही है कि यह लॉकडाउन जिहड़ा सीधा 1 महीने लई, मनप्रीत दस देवां कि 1 जून तो शुरू होकर 30 जून तक लॉकडाउन 5 दा ऐलान किया गया। पर इस लॉकडाउन दे विच फेस 1 दे विच जो सब तो वड्डी खबर आपां देण जा रहे हैं कि रिलीजियस प्लेसिस ऑफ वर्शिप फॉर पब्लिक, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, ये खुल सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स और अदर होस्पिटैलिटी सर्विसिज, जो ढाबे वगैरह ने, जो भी खाण पीन की सर्विसिज इदा दे रहे हैं वो खुल सकदियां ने। शॉपिंग मॉल्स खोल सकते हैं, पर ये जिहड़ा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। एक जिहड़ी 3 चीज़ा मैं गिनाइया, रिलीजियस प्लेसिस, होटल, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स जिहड़े ने, ये केंद्र सरकार, स्टेट्स, सूबे सरकार और यूटी दे एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़े ने उन्हां नाल गलबात करेगी और ये जिहड़े अलाउड किया जाएगा कि किवें अलाउड किया जाना है, ये 8 जून तो खोलिया जाएगा। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को दस देवां कि रिलीजियस प्लेसिस, प्लेसिस ऑफ वर्शिप ऑफ पब्लिक, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, अदर होस्पिटैलिटी सर्विसिज, शॉपिंग मॉल्स, ये जिहड़े चीज़ा ने 8 जून तो देश में खुलन जा रहे हैं। जो चीज़ा पूरे देश पंजाब तो 22 मार्च तो बंद ने, ये सारिया थावां जिहड़ियां ने ये हुण खुलन जा रही ने 8 जून तो। फेस 1 पंजवें लॉकडाउन का फेस 1 विच इन्हां नूं खोलिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विल इशू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द अबव एक्टिविटीज़ इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल मिनिस्टर डिपार्टमेंट कंसर्न एंड अदर स्टेक होल्डर्स फॉर इंश्योरिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड टू कंटेन द स्प्रैड ऑफ कोविड-19। यानी कि हुण है 8 दिनों के जो 7 दिन रह गए हैं, 7 दिनों केंद्र सरकार चर्चा करेगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएगी कि किवें इत्थे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, किवें कोविड-19 कोरोना वायरस नूं इन्हां थावां ते, क्योंकि इन्हां थावां ते सब तो ज़्यादा भीड़ हुंदी है, रेस्टोरेंट दे विच भीड़ हुंदी है, रिलीजियस प्लेसिस ते भीड़ हुंदी है, इत्थे कोरोना वायरस नूं किद्दां रोकिया जाऊगा, इहदा इह इक गाइडलाइनस जारी कीते जाणगे। उस तों बाद इन्हां नूं 8 जून तो खोल दिता जाएगा। उस तों बाद फेस 2, स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा विल बी ओपन आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट्स एंड यूटी गवर्नमेंट्स। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मे होल्ड कंसल्टेशंस एट द इंस्टीट्यूशन लेवल विद पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स बेस्ड ऑन द फीडबैक। इन्हों का भी डिसीजन लिया जाऊगा। जुलाई 2020 खोलन का डिसीजन लिया जा सकता है। यानी कि स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशन जिहड़े ने जुलाई के खुल सकते हैं, पर इस तो पहला केंद्र सरकार, सूबा सरकार दे अगे जिहड़े एडमिनिस्ट्रेशन्स ने, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन्स है, बच्चों के माता पिता और जिहड़े स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने चर्चा करके गाइडलाइन जारी की जाएगी कि स्कूल किवें खोल सकते हैं। तो जुलाई से यह फैसला लिया जाए कि लिया गया कि जुलाई के स्कूल, कॉलेज खोले जा सकते हैं। फेज 3 के बेस्ड ऑन द असैसमेंट ऑफ द सिचुएशन, डेट्स फॉर रीस्टार्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल बी डिसाइडेड। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स एक्सेप्ट एज परमिटेड बाई MHA, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिमनेजियम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल एंड सिमिलर प्लेसिस, सोशल, पोलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, अकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन एंड अदर लार्ज जिहड़ियां भीड़ जिथे होएगी, ये जिहड़ियां ने इन्हां दी ऐलान नहीं किया गया है। फिलहाल 5वें लॉकडाउन के बंद रहेंगे सिनेमा हॉल, जिहड़ी वड्डी गल है, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल जिहड़ा फ्रीकुएंट नहीं हो सकता, जिहड़े लोग उत्थों फसे ने होई देश दे विच आ सकते हैं। मैट्रो रेल हजे नहीं चली, इहदी भी डेट का ऐलान किया जाऊगा अगे सिचुएशन नूं देखदे हुए, जे करोना वायरस का कहर घटता है उन्हूं देखदे हुए यह फैसला लिया जाऊगा। सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे, जिमनेजियम भी बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स भी बंद रहेंगे, थिएटर्स भी बंद रहेंगे, बार्स एंड ऑडिटोरियम्स भी बंद रहेंगे, और सोशल, पोलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, अकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन जिथे ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है वो भी बंद की गई है। वह ऐलान नहीं किया गया कि वह कदों शुरू होंगे, यदा असैसमेंट करेगी केंद्र सरकार सिचुएशन नूं देखदे हुए, जे करोना वायरस घटदा तो फिर उस तो बाद इन्हां नूं भी खोलन की इजाजत दी जा सकती है। पर इस वेले वड्डी खबर यही है कि 8 जून तो रिलीजियस प्लेस खुलन जा रहे हैं, होटल खुलन जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खुलन जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स खुलन जा रहे हैं, जिन्हां की तस्वीर शायद लोगों ने, पंजाब के लोगों ने 22 मार्च तो बाद देखी ही नहीं, जिथे जिहड़ी थावां ते 22 मार्च तो बाद पंजाब के लोग गए नहीं, उत्थे खोलन की इजाजत दे दी गई है। हुण कुछ देर बाद
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़े ने, मैं अपने दर्शकों को दस दवां कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइनस जारी कीतियां ने, हुण सूबा सरकार अपनी गाइडलाइनस जारी करेगा, इहनू घटा नहीं सकदा पर अपने हिसाब नाल इहदे च सख्ती जरूर कर सकदा। सूबा सरकार की गाइडलाइनस आने तो बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हर शहर का मजिस्ट्रेट जिहड़ा है वह डिसीजन लूगा गाइडलाइनस नूं, वह भी सूबा ते केंद्र की गाइडलाइनस नूं घटा नहीं सकते, उहदे ते सख्ती जरूर वरत सकते हैं पर उन्हां दी सख्ती नूं जिहड़ा घट नहीं कर सकते। तो इस करके मैं अपने दर्शकों नूं यह मैसेज देना चाहूँगा कि हुण इंतजार करो तुहाडे अपने अपने जिला मजिस्ट्रेट और सूबा सरकार पंजाब सरकार अगे की गाइडलाइनस जारी करती है। फिलहाल जिहड़ा केंद्र सरकार तो यह गाइडलाइनस आ गई ने कि रिलीजियस प्लेस खुलन जा रहे हैं, खुशखबरी है होटल रेस्टोरेंट्स खुलन जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स खुलन जा रहे हैं और जुलाई के महीने चर्चा होने तो बाद स्कूल कॉलेजेस भी खुलन जा रहे हैं। फिलहाल जिहड़ियां चीज़ां बंद रहनगियां मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिमनेजियम, स्विमिंग पूल, इस तरह दी थावां जिहड़ियां ने वो बंद रहनगियां। और इहदे नाल ही वड्डी खबर यह भी है कि 9 बजे तो लैके माफ़ करना शाम 9 बजे तक ये लॉकडाउन खोल दिता गया और सवेरे 5 बजे लॉकडाउन खुल जाएगा। जिहड़ा सवेरे 7 बजे खोल रहा है वो शाम 6 बजे लॉकडाउन बंद हो रहा है। इस वेले दी वड्डी खबर है कि नाइट करफ्यू हजे भी लग्या होया पर नाइट करफ्यू शाम रात 9 बजे बंद 9 बजे लागू होएगा और सवेरे 5 बजे तक चलता रहेगा। यानी कि 9 बजे तो बाद शाम 9 बजे तो बाद तुसी अपने घरों बाहर नहीं आ सकते, सिर्फ जरूरी काम लई ही बाहर आ सकते और 5 बजे तक सवेरे 5 बजे तक यह करफ्यू जारी रहेगा। ये एक और जानकारी दे देवां कि जिहड़ियां चीज़ां नूं खोलण का ऐलान किया गया है कंटेनमेंट जोन तो बाहर ने, जिहड़े इलाकों कंटेनमेंट जोन च रख्या गया है उत्थे ये थावां नहीं खुलणगियां। कंटेनमेंट जोन का फैसला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, जिला मजिस्ट्रेट दसणगे कि ये शहर के उन्होंने कंटेनमेंट जोनस ने जिथे ये थावां नहीं खोलियां जा सकदियां, उस तो अलावा जिथे कंटेनमेंट जोन नहीं हैगा और उत्थे सारियां थावां खुलणगियां। तो मेरे हिसाब नाल दर्शकों लई एक साडे देशवासियों लई एक खुशखबरी है कि हौली हौली ये लॉकडाउन 5 दे विच बहुत वड्डी रियायत दित्ती गई है। एक गल मैं होर पुछनी चाहुंदा, जिहड़ी रियायतां दित्तियां गईआं ने उत्थे कंटेनमेंट जोन दे विच वी कोई सख्ती कीती गई है कि जां इसे तरह रख्या गया उन्हां नूं? मैं ये भी पढ़ के दस दिना तुहानूं, लॉकडाउन लिमिटेड टू कंटेनमेंट जोनस, लॉकडाउन शैल कंटिन्यू टू रिमेन इन द फोर्स इन द कंटेनमेंट जोनस टिल 30 जून 2020। कंटेनमेंट जोनस विल बी डेमोक्रेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज आफ्टर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन ऑफ द गाइडलाइनस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन द कंटेनमेंट जोन ओनली असेंशियल एक्टिविटीज शैल बी अलाउड, देर शैल बी स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल टू इंश्योर दैट देर इज़ नो मूवमेंट ऑफ पीपल इन आउट ऑफ दीज जोनस। मतलब वही कंटेनमेंट जोन से कोई रियायत नहीं है, जिहड़े कंटेनमेंट जोनस होणगे जिवें कि मैं दस्या कि वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ जिहड़ियां ने डिसाइड करनगियां कि ये इलाका कंटेनमेंट जोन है, उत्थे जिस तरह लॉकडाउन चल रहा उत्थे सिर्फ असेंशियल सर्विसिज ही जिदा जो हुण तक चलता आ रहा है, मेरे ख्याल नाल दर्शकों को पता ही कि असेंशियल सर्विसिज च की आंदा है, उन्होंने ही खोलने की इजाजत दी गई है। उस तो बाद जिहड़ा लॉकडाउन 5 दे विच आउटसाइड कंटेनमेंट जोन है उत्थे खोलन मंदिरों नूं, मस्जिदों नूं, चर्च नूं, गुरुद्वारा साहब नूं खोलन की इजाजत दे दी गई है। ये वड्डी खबर इत्थे राहत की खबर लोगों लई है। की लगता पंजाब सरकार ये इस तरह लागू रहेगी जां सख्ती कर सकती पंजाब सरकार क्योंकि केस कोरोना वायरस के लगातार वधे जा रहे हैं? नहीं पर मंत्री तो मैं दस देना चाहवाँगा कि पंजाब दे विच जिहड़ी रिकवरी रेट आ सब तो वध है, तो मैनूं लगता नहीं कि पंजाब सरकार इस तो वध सख्ती करेगी। यही गाइडलाइनस नूं हो सकता उम्मीद करते हैं आपां इन्हां गाइडलाइनस ते ही इन्नी को सख्ती नाल ही पंजाब दे लोकां नूं भी राहत मिलन की पूरी उम्मीद है। फिर भी सानूं हजे इंतजार करना पएगा मुख्यमंत्री पंजाब दे वह की ऐलान करते हैं, उस तो बाद सानूं अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी ऐलान करना पएगा हर शहर के वह की ऐलान करते हैं, वह किन्नी को सख्ती होर इन्हां गाइडलाइनस ते वरतते हैं। पर मैं दस देवां इनू स्ट्रेंथन किया जा सकता जो इस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की गाइडलाइनस के भी किया गया, डायल्यूट नहीं किया जा सकता, ये तो सख्ती घटाई नहीं जा सकती, इनू वधाई ही जाऊगी। ये हुण इंतजार करना पेगा सानू अगे राहत की मिलती है। ये जिहड़े स्कूल खोलने की गल है ये कोई भी डेट दिती गई जां जुलाई दे विच ही खोले जाणगे? नहीं नहीं, ये इत्थे दस्या गया है कि हुण इस महीने जे चर्चा होगी लॉकडाउन 5 दे विच स्कूल प्रशासन नाल, पेरेंट्स नाल, जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने या स्टेट गवर्नमेंट्स ने, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्हां दे नाल कंसल्टेशन होएगी। ये इंस्टीट्यूशन लैवल ते कंसल्ट करनगे, जिदा कोई एक सूबा सरकार दे कोई अधिकारी ने वो किसी स्कूल वाले नाल कंसल्ट करनगे या एसोसीएशन नाल, या मान लो कि जिला लैवल ते जिन्ने स्कूल रन कर रहे हैं, कॉलेज रन कर रहे हैं, उन्होंने लोगों नाल चर्चा की जाऊगी। उस तो बाद फैसला लिता जाऊगा कि इन्हां स्कूल कॉलेजेस नूं किवें खोलना है, जिवें कि गल्लां चलदियां ने कि ऑड ईवन दे हिसाब नाल खोलना है कि ऑड वाले दिन बच्चों नूं स्कूल बुलाया, ईवन वाले ऑनलाइन पढ़ाई करनगे, अगले दिन ईवन वाले बच्चों नूं ये स्कूल च बुलाया तो ऑड वाले ऑनलाइन पढ़ाई करनगे। इस तरह दी गाइडलाइनस जिहड़ियां ने कंसल्टेशन तो बाद जारी कीतियां जाणगियां कि स्कूल कॉलेजेस किवें खुलणगे, पर यह दस दिता गया है कि जिहड़ियां
डिसीजन लिया जाऊगा। डिसीजन ऑन द रीओपनिंग ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन विल बी टेकन इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020। जुलाई महीने के डिसीजन लिया जाऊगा कि इन्हों किमें खोलिया जाएगा। जुलाई के जुलाई तो खुलन इतने यह नहीं है कि जुलाई से ही खुलन गए, जुलाई से डिसीजन लिया जाऊगा कि स्कूल कॉलेज किमें खोलिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने लिए। लॉकडाउन 5 का ऐलान कर दिया गया, जून 1 तो लैके 30 जून तक लॉकडाउन 5 रहेगा। ये काफ़ी रियायत दिखाई गई हैं। इस तो इलावा नाइट करफ्यू जोड़ा वह भी टाइम घटा दिता गया, हूँ 9 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक ही नाइट करफ्यू रहेगा। इस तो इलावा होर भी काफ़ी रियायत लॉकडाउन 5 के दी गई हैं। देखते रहो दैनिक सवेरा टीवी। All World Open Challenge 17 time gold medalist Mia Rafiq Mohammed Pandit Maulvi Begum Tantrik inna chora thagga to savdan specialist Vashikaran satta number love marriage pati patni ch anban videsh ch pakka hona karobar da na chalna sirf 31 ghantiyan vich samadhan free Mia Rafiq Mohammed mobile 84374 94647 84374 94648।